नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा भारत एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल करता जा रहा है, अब चाहे वो चंद्रयान 3 मिशन हो या फिर आदित्य एल्बन मिशन हो। तो वहीं पर एक तरफ G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है, जहां पर टॉप 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों और हाई लेवल के नेता भारत आने वाले हैं इस G20 समिट में शामिल होने के लिए। India is ready to host the 18th G20 summit on the 9th and 10th of September. In fact, to India, where the G20 summit has opened with the New Delhi for the G20 summit. 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक ये समिट चलने वाली है भारत में, जो कि भारत के कई राज्यों में अलग अलग लेवल पर होगी, अलग अलग नेताओं के साथ होगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी, जो कि बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग होगी। तो आप सबके मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि आखिर G20 समिट है क्या, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। तो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो G20 एक 20 देशों का समूह है, जो कि हर साल मिलकर एक बैठक करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए, जिस ग्रुप में भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूरोपीय संघ जैसे देश शामिल होते हैं, जो सभी मिलकर G20 बनाते हैं, जिसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। अब जैसे कि G20 की कमान भारत के पास है, तो भारत ने कुछ अपने करीबी दोस्तों को बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया है, ताकि ये देश भी इस समिट में शामिल हो सके और भारत और इन देशों के रिश्ते भी और मजबूत हो सके। तो चलिए G20 से पहले समझते हैं G7 के बारे में, जो कि ग्रुप ऑफ 7 कहलाता है। बात है सन 1970 की, जिस समय पूरी दुनिया की हालत ठीक ठाक नहीं चल रही थी कई सारे कारणों की वजह से। फिर 2 साल बाद 1973 में आती है ऑयल क्राइसिस का संकट, जिसकी वजह से मोस्टली देश भारी संख्या में इस क्राइसिस से गुजर रहे थे। दरअसल बात 1973 की ही है, जब योम किपर वॉर हुई थी, जिसमें मिस्र और सीरिया ने इसराइल के खिलाफ हमला किया, जिससे वॉर शुरू हुई। इसी बीच कुछ देश इसराइल की सपोर्ट में उतरे, जो कि उसको वेपन्स की सुविधा दे रहे थे या फिर उनकी पूर्ति करा रहे थे, जिससे वॉर के और ज्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और नीदरलैंड जैसे देशों की ऑयल सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी, जिसकी वजह से इन देशों की इकोनॉमी में भारी इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाले देश यही थे। इन देशों के पास हर वो पावर थी जो कि आम देशों के पास नहीं थी। फिर कुछ समय बाद इन सब देशों ने मिलकर बातचीत की कि किस तरह अपनी इकोनॉमी और फाइनेंशियल व्यवस्था को संभाले या फिर उसमें सुधार करे, और आगे भविष्य में ऐसे संकट से कैसे निपटा जाए जिससे दोबारा ऐसी कंडीशन पैदा ना हो। तब कुछ देशों ने मिलकर एक ग्रुप का गठन किया, जिसका नाम रखा G6, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश शामिल थे, जो एक साथ बैठकर पॉलिटिकल मैटर्स और देश की इकोनॉमी को कैसे सुधारे उस पर बात करते थे, और देश की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते थे कि कैसी चल रही है और इससे बेहतर कैसे की जाए। फिर 1976 में इस ग्रुप में कनाडा को भी शामिल कर लिया गया, जिससे G6 बदलकर अब G7 हो गया। फिर 1997 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया, तो अब G7 हो गया G8। लेकिन मार्च 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उसे इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, तो फिर से एक बार G8 रह गया G7। फिर इसके बाद G10, G11 जैसे ग्रुप बने। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने G20 समिट पर। आखिर G20 समिट की कहानी क्या है, क्यों ये ग्रुप इतना पावरफुल माना जाता है? दरअसल ये ग्रुप ही ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू को एग्जिट करता है। बात है 1997 की, जब फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर चालू हुआ था, जो पूरे एशिया के देशों में फैल गया। हर देश के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पर असर पड़ने लगा। इन सब देशों की GDP एकदम नीचे गिरने लगी, हर तरफ दंगे होना शुरू हो गए। फिर कुछ और देशों ने मिलकर अपने में देश की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक को सुधारने के लिए 1999 में G20 की शुरुआत की, ताकि इन देशों की इकोनॉमी को सुधार कर फिर से एक बार पटरी पर लाया जा सके। उस समय इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की लेवल पर मीटिंग हुआ करती थी, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा होती थी। फिर समय के साथ साथ इस समिट में कुछ और इम्पोर्टेंट इशू पर चर्चा होने लगी, जिसमें क्लाइमेट चेंज, हेल्थ इशू, एग्रीकल्चर इशू, एनर्जी, करप्शन जैसे इशू पर चर्चा होने लगी, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू थे। फिर समय के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट इशू पर चर्चा होने लगी। अब जैसे कि आप सबको पता है कि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास, तो यहाँ पर एक बात आती है कि आखिर ये कौन तय करता है कि इस साल इस समिट को ये देश कराएगा और ये देश नहीं कराएगा। दरअसल इस ग्रुप का कोई निजू मेंबर नहीं है जो ये तय करे कि इस साल इस समिट को कौन सा देश कराएगा। ये एक ट्रॉयका द्वारा निर्धारित होता है कि कौन सा देश इस साल इस समिट को करवाएगा और नेक्स्ट ईयर कौन सा देश इस समिट को करवाएगा। अब भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान ट्रॉयका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है, जिसमें से 2022 में इंडोनेशिया में G20 की समिट हो चुकी है और 2023 में भारत में चल रही है। इसका मतलब बचा ब्राजील, तो 2024 में ब्राजील में G20 की समिट
होने वाली है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।